नमस्कार फ्रेंड, आज की जो मैं वीडियो में लेकर आया हूँ वो अपने UMT सपोर्ट में जो एक नया अपडेट आया है MediaTek के लिए। तो आज की दोस्तों जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो MediaTek का 0.4 वर्जन, एक अभी MediaTek ने एक नया अपडेट निकाला हुआ है कि 0.4, जिसके माध्यम से हम लोग वीवो के कई सारे जो नए मॉडल हैं, जो हाई सिक्योरिटी जो मोबाइल फ़ोन नहीं अनलॉक हो रहे थे या हमसे वापस चले जाते थे, आज वो भी मोबाइल फ़ोन हमसे आसानी के साथ में अनलॉक हो जाते हैं। जैसे वीवो 91C है या वीवो Y17 है, ऐसे बहुत ऐसे मॉडल होते थे जो हम लोगों से रिटर्न चले जाते थे, लेकिन आज हम लोग उनको आसानी के साथ में अनलॉक कर पा रहे हैं। तो आज मैं इसके बारे में मैं आपको अपडेट वीडियो देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या फीचर आए हैं, इनको कैसे यूज करेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं हमारे, जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का सॉफ्टवेयर का काम सीख चुके हैं या जो ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर का काम सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो बड़ा हेल्पफुल होने वाला है कि मैं आज आपको इस ट्यूटोरियल में पूरा आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात क्या है, चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो में। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करने के लिए डोंगल जो होता है, इस डोंगल को हमको लेना होता है, इस डोंगल को हमको अपने सिस्टम में कनेक्ट करा देना होता है। जब आप डोंगल को सिस्टम में कनेक्ट करा देंगे तो सिस्टम में कनेक्ट कराने के बाद आपको सबसे पहले UMT सपोर्ट ओपन करना पड़ेगा। ये हमारा UMT सपोर्ट आता है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। जब हमारा UMT सपोर्ट ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद आप इंस्टॉलर में जाएंगे। इंस्टॉलर में जाने के बाद तो देखेंगे इसमें नया ऑप्शन आया, तो न्यू क्या चीज़ आई हुई है ये देखिए। जो नया ऑप्शन हमारे लिए आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इसमें न्यू लिख करके आया हुआ है और ये आपका आया हुआ है MediaTek के में, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। इसमें आपने क्लिक किया, ओके किया, स्टार्ट पे लगा दिया, डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये देखिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप लोकेशन में जाएंगे। लोकेशन में अगर आप देखेंगे ये हमारा 0.4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे यस टू ऑल, ये आपका खुल के आ गया है। इसको ओपन करेंगे, ये कहेगा इंस्टॉल करने के लिए, आप इसको यस करेंगे, आई एक्सेप्ट। देखिए सारा सॉफ्टवेयर डिटेल यहाँ पर आ रहा है, नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या नया अपडेट आया है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सब लोग गौर से देखिएगा, ये MediaTek का जो नया वर्जन आया द अल्टीमेट MediaTek टूल, व्हाट्स न्यू, मतलब इसमें नया क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पर हाईलाइट करके बोल रहा है व्हाट्स न्यू, मतलब नया क्या है, क्या नया आया है वो आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको बताएगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें Redmi 9 है, Redmi 9 Prime है, Poco M2 है। देखिए ओप्पो के कितने सारे डीएल एरर वाले जो प्रॉब्लम आते थे वो सारे सबका सोल्यूशन दिया हुआ है। बहुत सारा मॉडल ऐड हुआ है, बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट दिया हुआ है। मोटरोला के मॉडल ऐड हैं, ओप्पो A5S हैं, ओप्पो A83 है, A91 है, F11 प्रो है। MediaTek आप देखिए, आप यहाँ से देखेंगे जो वीवो का मॉडल ऐड है, वीवो S1 है, वीवो Y11 है, Y11 बहुत मॉडल हमसे वापस जाता था, वीवो Y12S है, Y15 है, Y17 है, Y1S है, Y30 है, Y81S है, Y91C करके है, पोको का मॉडल है। अगर आप वीवो की टोटल बात करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वीवो की सिक्योरिटी कितना दिया हुआ। अच्छा, मतलब यहाँ से लेकर के ये टोटल वीवो के इतने बहुत लेटेस्ट मॉडल थे जिनको हमारे से वापस चले जाते थे, आज वो इसके माध्यम से आसानी से अनलॉक हो जाते हैं। बहुत अच्छा अपडेट आया हुआ है, स्पेशल इंटरनल डीए, ये सीपीयू का डीए ऐड हो गया है। आप चलिए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉल,
और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिनिश, नेक्स्ट, कैंसिल। अब देखिए हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद जब आप देखेंगे इसमें ऐसा एक फोल्डर बन के आ जाता है, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर ओपन करने के बाद इसको आप जब ओपन करेंगे, यस करेंगे, यस करते ही आपके डायलॉग बॉक्स सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, मीडियाटेक 0.4। कैसे काम करेगा मैं आपको अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। आप लोग देखेंगे, सब लोग देख पा रहे होंगे, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये मीडियाटेक का 0.4 हमारा सॉफ्टवेयर आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली खास बात होती है कि आपको मॉडल लेने को कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई भी मॉडल लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहली बात, अगर आपको मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करना है तो फ्लैश पर क्लिक करेंगे। और अगर मान लिया तो हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आता है जिसके अंदर स्कैटर फाइल आती है, स्कैटर फाइल को लोड करेंगे। OFC फाइल आता है, OFC को लोड कर देंगे। उसके बाद यदि आपको अनलॉक करना है तो सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ से मोबाइल फ़ोन को जा करके फॉर्मेट एंड सेफ मोड FRP पे दोनों पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे एग्जीक्यूट कर देंगे उसके बाद बोलेगा मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कराओ, प्लस माइनस बटन दबा के डाटा केबल से मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करा देना है। आपके यहाँ पर डायलॉग बॉक्स पर सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा, पूरा मैसेज दे देगा कि आपका मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है, सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मेटा मोड का रीसेट का ऑप्शन दिया। अगर मान लिया अगर आप इससे नहीं हो पाता, किसी कारणवश फ़ोन को रीसेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जा करके मेटा मोड से फैक्ट्री रीसेट करके एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इसके माध्यम से भी आप मोबाइल फ़ोन को रीसेट कर देंगे और उसके बाद उसमें FRP लग जाती है। तो FRP आप चाहें तो आप यहाँ से भी नॉर्मली आप FRP को हटा सकते हैं। और अगर मोबाइल फ़ोन करना है, MI अकाउंट रीसेट करना है, तो यहाँ पर रीसेट MI अकाउंट पर क्लिक करके MI अकाउंट को रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें फीचर्स ऐड हो गए हैं जिसके माध्यम से हम मीडियाटेक के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं, मीडियाटेक को मोबाइल फ़ोन को हम लोग आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास जो मीडियाटेक का जो सपोर्ट है वो 0.4 जो नया अपडेट आया है, उस अपडेट को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, या उसके माध्यम से हम कैसे मोबाइल फ़ोन को हम लोग क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। तो ये हमारे लिए मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत अच्छा बेहतर फीचर आया है जिसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फ़ोन के हम लोग अनलॉकिंग कर सकते हैं। और जो आज से हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन नहीं हो पा रहे थे या हमसे वापस जा रहे थे, रिटर्न जा रहे थे, उन मोबाइल फ़ोन को हम लोग इसके माध्यम से अनलॉकिंग कर सकते हैं। अभी जैसे एक हमारे पास स्टूडेंट है, Y17 मोबाइल फ़ोन था उनका, काफ़ी दिन से मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा था। तो सर कह रहे थे कि सर आप अनलॉक टूल से कनेक्ट करके कर दीजिए, कैसे होगा, ये है वो है। लेकिन फिर उन्होंने फिलहाल इस, मैंने जब अपडेट आया तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने इसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद फट से मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर लिया है। तो ये हमारा UMT सपोर्ट, UMT डोंगल की एक यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि हमको नया नया लेटेस्ट अपडेट देता रहता है। नया नया अपडेट देने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, हम उस मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करने के लिए कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको UMT सपोर्ट में आपको देखते रहना है कि क्या नई चीज़ आ गई है। जैसे कोई नई चीज़ आ गई है तो उस नई चीज़ को आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करते समय ही वो बता देगा कि इसमें क्या क्या नया नया फीचर ऐड हुआ है। जो नया नया फीचर ऐड हुआ है उस नए नए फीचर को आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप मोबाइल फ़ोन को उसके माध्यम से अनलॉकिंग फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर में मीडियाटेक मोबाइल फ़ोनों को आसानी के साथ में हम लोग अनलॉक करेंगे। तो आप वीडियो के माध्यम से जो भी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जो भी सारी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, तो जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास डोंगल है, वो लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक हमारे पास स्टूडेंट है जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, उन्होंने मोबाइल फ़ोन में रिपेयरिंग कहीं से काम उन्होंने पहले ऐसे दुकान में रह कर सीखा था। फिर उन्होंने बताया कि सर मैं सर आपका टोटली जितना सारा वीडियो था उन सारे वीडियो को वॉच किया, और जहाँ से मैंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम पहले सीखा था तो वहाँ मुझको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली थी, सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल नथिंग, मतलब बिल्कुल जीरो थे। लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सॉफ्टवेयर के बारे में, मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ और जो भी मोबाइल फ़ोन है उनको ठीक करके देखता हूँ। तो सर आपकी वीडियो से मुझे अच्छा भी लगा। दूसरी बात क्या है कि उन्होंने एक हमसे डोंगल भी मंगाया, जिस डोंगल के बारे में मैंने जिक्र किया, जो ये डोंगल आता है UMT Pro डोंगल आता है, जिसका कीमत होता है समथिंग 4000
3800 इस तरीके से इसका कीमत आता है UMT प्रो का। उन्होंने ये डोंगल को मंगाया, डोंगल मंगाने के बाद फिर उन्होंने इंस्टॉल करने का तरीका सीखा कि कैसे इसको चलाया जाएगा, किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, पूरा उन्होंने जानकारी लिया और एक मोबाइल फ़ोन को लॉक भी खोला। एक उनके पास मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था, टेक्नो का मोबाइल फ़ोन था, उस मोबाइल फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ था, उन्होंने उस मोबाइल फ़ोन का FRP लॉक भी खोला। तो इस तरीके से फिर उन्होंने बताया कि सर आज मैंने जब मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर का एक मोबाइल फ़ोन ठीक किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि सर मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि अगर मैं कहीं सीखने जाता और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे लग रहा था कि कैसे हो पाएगा, कैसे सीख पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे, हमसे हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसी बहुत सारे हमारे दिमाग में धारणाएं थी। लेकिन जब मैं आपसे जुड़ा और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना आसान हो गया कि मुझे लगा कि नहीं भाई मैं कर सकता हूँ, तो सर आज मैं सॉफ्टवेयर में एक पहला मोबाइल फ़ोन मैंने लॉक खोला हुआ है। तो उन्होंने मुझे बड़ा दिल से धन्यवाद दिया कि सर आप ऐसे ही आज लोगों की मदद करते रहे और हम लोग सीख करके अच्छी तरीके से काम करते रहे। हम उन लोगों के लिए भी कहना चाहते हैं जो लोग इस लाइन में बिल्कुल नए हैं, इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर हैं, जीरो हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की बहुत अच्छी शॉप चला रहे हैं लेकिन उनको काम पूरा नहीं आता, उनको पूरा जानकारी नहीं है। पूरा जानकारी इंसान के अंदर 10 साल 8 साल 12 साल अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको जानकारी नहीं, उसको जानकारी है, लेकिन बस ये कि उसको काम की जानकारी नहीं है। उसको सिर्फ इस बात की जानकारी है कि पूरा दिन जगह घेरने की जानकारी है, पूरा दिन बैठने की जानकारी है, कस्टमर को हैंडल करने की जानकारी है। हाँ ये जानकारी है कि इस मोबाइल फ़ोन का लॉक खोला जाएगा तो 150 रुपये लगेगा, हमको 250 रुपये लेना है, इस बात का जानकारी ले। 150 रुपये दूसरे के पास जाएगा, लॉक खुलवा करके आएगा, फिर अपना खोल करके दे देगा और अपना चौड़ा से कहेगा जाओ भैया तुम्हारा फ़ोन ठीक हो गया। 100 रुपये उसको बचेगा जो चुपचाप बैठा हुआ है, जो किसी कस्टमर को जानता नहीं लेकिन फिर भी उसके माध्यम से उसको 150 रुपये मिल गया। कैसे मिल गया? ऐसे ही मिल गया कि हम लोग उस मोबाइल फ़ोन को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, झोला भर भर के मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं, कहीं ठीक कराते हैं और उनको दे देते हैं। अब ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते? हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने कभी दोस्त सीखने की हिम्मत ही नहीं करी, हमने ऐसा भी हिम्मत नहीं किया या ऐसा काम हमको सीख भी सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से मैं एक वादा करना चाहता हूँ कि आप जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का सजी जो ट्रेनिंग है, इतना आसान है इस काम को सीखना, इतना सरल है। अगर सजी अगर सरल ना होता तो ISPCS दुनिया भर के अधिकारी भी नहीं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते। ये बहुत छोटा काम है, आप इस काम को सीख सकते हैं, काम सीखने के बाद अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक आप बिजनेस कर सकते हैं। देखिए अगर आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के सेक्टर में हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लाइन में काम करना चाहते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए, आप बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लीजिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में मास्टर नहीं हैं तो दुनिया में जितने सारे लोग हैं सिर्फ आपको बेवकूफ़ ही बनाते रहेंगे और कभी भी आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। सफलता की सिर्फ एक ही निशानी है, सफलता के एक ही कारण है कि आपको खुद तैयार होना पड़ेगा, आपको खुद काम सीखना पड़ेगा, खुद एक्टिव होना पड़ेगा। और जब तक खुद नहीं कर सकते तब तक आप कभी ज़िंदगी में ये नहीं कह सकते कि ये मोबाइल फ़ोन मैं ठीक करूँगा और इसका ठीक करने का 250 रुपये ही लूँगा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप खुद करने वाले नहीं हैं, वरना जो खुद करने वाले होते हैं ना, अगर अभी बैठो 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, 150 रुपये लगेगा, ये बात होती है। ये कैसे बात होती है? ये अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बोलता है, अंदर का कॉन्फिडेंस और जो ट्रेनिंग होती है ना वो मेरी बोलती है। मैं आपको सिखा के भेजूंगा इन सब चीज़ों को लेकर के कि आप इसी तरीके से आंसर करें कि भाई 200 रुपये लगेगा, फ़ोन ठीक हो जाएगा, और सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। तो आप इस बात के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट काम सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग जो अपना ट्रेनिंग सेंटर है ये सागर मार्केट माल रोड में पड़ता है। ये सागर मार्केट कानपुर जो रेलवे स्टेशन होता है, कानपुर रेलवे स्टेशन से 200-300 मीटर दूरी पर है। आप आराम से कहीं भी दुनिया जानते, पूरे इंडिया लेवल से कहीं भी आ सकते हैं। बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल है, रांची है, या आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र है, आगरा है, गोरखपुर है, आप कहीं के रहने वाले हैं, पूरे ऑल ओवर स्टेट रायपुर है, कहीं के भी अगर आप रहने वाले हैं तो भी आप आसानी से कानपुर आकर के मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को सीख सकते हैं। यहाँ सीखने में कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं आता, टोटली मात्र कोर्स अगर आप सीखेंगे तो मुझे लगता है कि 18-20 हज़ार रुपये में टोटल कोर्स सीख साख करके आप अपने घर भी चले जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, हम खुद आपको ट्रेनिंग देते हैं, हम खुद आपको सिखाते हैं।
एक एक करके बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी बच्चा आता है बिल्कुल फ्रेशर, बिल्कुल जीरो है, लेकिन जीरो लेवल से आकर के बिल्कुल हीरो लेवल तक के कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर के जाए। और मैं एक दोस्त कहना चाहता हूँ कि एक हमारे पास जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इलाहाबाद में उन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, वैसे रहने वाले तो फिलहाल वो फतेहपुर के हैं, लेकिन उन और वो इलाहाबाद में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी खासी तैयारी करी है और कह रहे थे कि सर मैंने बैंकिंग की है या बहुत सारी कंपटीशन की मैं तैयारी करता रहा, और तैयारी करने के बाद सर मुझे थोड़ा सा रिजल्ट नहीं मिला और मुझे अपने लाइफ में निराशा मिली, मुझे लगा कि यार अब मैं क्या करूँगा, कई बार इंटर्नशिप दिया, कई बार तैयारी किया, अब तो हमारा टाइम ड्यूरेशन जो कहते नहीं जो हाई स्कूल इंटर का जो मार्कशीट होता है ना उसका भी एक टाइम बाउंडेशन होता है कि आप इतने साल तक ही लगे रहेंगे, ये नहीं कि आपने कसम खा लिया कि भैया मैं भर्ती हो जाऊंगा तो भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन उसका भी तो टाइम है ना, टाइम खत्म हो गया तो तुम कहाँ से भर्ती हो जाओगे। तो उस कंडीशन पर हम लोग अपने लाइफ को जितना हमने समय निर्धारित किया कि उस समय पर अगर हमको वो चीज़ नहीं हासिल हो पाती तो हमको फिर लगता है कि हमको प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं मूव होना पड़ेगा। जब हमको प्राइवेट सेक्टर में मूव होना पड़ेगा तो हमारे अंदर सबसे पहली बात आती है कि हमारे अंदर एक स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर स्किल नहीं हुई तो हम प्राइवेट सेक्टर में तो घुस जाएंगे, लेकिन फिर वही है कि हम अपनी ज़िंदगी को धक्के खाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन अपने गट्स वाला काम नहीं कर सकते। गट्स वाला वही काम करता है जिसको कोई हुनर होता है, जिसके अंदर कोई स्पेशली टैलेंट होता है। तो सर्विस जी है, उन्होंने बहुत सारी तैयारी करी है, उनके फादर भी आर्मी में थे, उनके एक ब्रदर हैं वो भी गवर्नमेंट सर्विस में है, अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन उनको नहीं मिला तो कह रहे हमारे पापा की परचून की दुकान थी तो काफ़ी फिर मैं थोड़ा सा समय बिताने लगा, कम से कम 8-9 महीने हो गए मुझे शादी के, मैं पिताजी के काम में हाथ बटाने लगा, लेकिन बाद में ऐसा महसूस हुआ कि पापा का काम तो पापा का ही होता है लेकिन मेरा भी तो कुछ होना चाहिए ना। हमेशा हर एक आदमी ज़िंदगी में आदमी यही सोचता है कि फादर का तो बहुत बड़ा अंपायर है, लेकिन उसका बच्चा भी सोचता है कि यार मेरा भी कोई छोटा सा काम हो जिससे मेरी यूनिक पहचान हो सके, कम से कम ये बता सकूँ कि भाई ये चीज़ तो मेरी है, इस काम को मैं करता हूँ। वरना हर एक काम को करते समय आपको बोलना पड़ेगा ये मेरे पिताजी का काम है, ये मेरे पिताजी का, अपना काम बोलने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया अपना स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि सर मैंने जब आपका वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ में आया सारी चीज़ों को, मुझे ये भी लगा, पहले तो मैं सोचता रहा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम है इतना कठिन है कैसे सीखा जाएगा, टांका टूका लगाने वाला काम इतना महीन महीन पुर्जा हमको दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। फिर जब आपकी वीडियो देखा तो मुझे एक एक करके 10, 12, 15, 30 मैं आपकी वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई मैं इस काम को हम सीख सकते हैं, तब सर मैंने आपके पास ज्वाइन किया। उन्होंने आज ही कल परसों हुआ है ज्वाइन किए हुए, आज अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स को सीख रहे हैं। तो आप भी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आप भी ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने से पहले कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, दिन में कभी भी वीडियो कॉल करके देख सकते हैं कैसे बच्चे सीख रहे हैं, कैसे मोबाइल फ़ोन रिपेयर हो रहे हैं, किस तरीके से स्टूडेंट रिपेयरिंग कर रहा है, कैसे आप आ करके रिपेयरिंग करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नया नया वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर भी करें कि हम लोग अगर आपको इतना मेहनत करके सिखाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर करके हमारी भी कहीं ना कहीं मदद करें और आप सीख करके अच्छे से खड़े हो सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.